अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? आज मैं बना रही हूँ फ्राई फिश। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फिश बनाएंगे तो फिश को मैंने नमक और जवैन के पानी से धो लिया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन के पानी से, तो ये मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। तो आज हम बनाएंगे फ्राई फिश। तो ये मेरे पास 1 किलो फिश है, इसको नमक भी लगा के मैंने धोया। तो ये नमक है हसब ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें जवाइन कूटी हुई है, सूखा धनिया है, चाट मसाला है, ये मैंने घर में खुद मसाला फिश का तैयार किया है। मैं ये मेरी अपनी रेसिपी है फिश के मसाले की। चाट मसाला इसमें है, सूखा धनिया है, जवाइन है, ये तीनों चीज़ों को मैंने पीस के रखा हुआ है। ये सूखा धनिया थोड़ा सा पाउडर है, ये थोड़ा सा दादर सूखा धनिया है, ये चिली फ्लेक्स है, ये नमक काली मिर्च है, सुरख मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है और नमक है, ये थोड़ा सा बेसन है एक प्याली जितनी मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं उसको यूज़ कर लूँगी, और ये है लेमन जूस, ये है चावलों का आटा, इससे क्रिस्पी बनता है। तो चलते हैं, पहले हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। अगर आपने इसको फ्रिज में भी रखना है तो ऐसे मैरिनेट करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखूंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर इसमें बेसन डालेंगे। मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालूंगी, लेमन जूस, चावलों का आटा और ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और आ रही हैं, पाकिस्तान में तो आ रही हैं, इधर तो ठंड हो गई है थोड़ी, तो सोचे फिश बनाएं। और साथ हम अपनी फिश डालेंगे। देखिए इस तरह मसाला लगा के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के फ्राई करें। तो मैं इस पे इतना बेसन नहीं लगाया, इस पे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अरे आप इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी, फिर हम फ्राई करेंगे। मैंने फिश को निकाल लिया है 1-1.5 घंटे के बाद, ये देखें अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल भी डाला है, इतना कोई नहीं मैंने बेसन लगाया, बस नॉर्मल ही है। फिश का जो मसाला बच गया था इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल ली है, इसको मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी हाथों की मदद से ऐसे करके, तो फिर हम इसको भी फ्राई का साथ कर लेंगे।
हरी मिर्च भी रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरी सर्विस प्लेट में। लीजिए मेरी फ्राई फिश तैयार हो गई, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।